अगला हमारा टॉपिक जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था। हमने फिर ब्रेन के बारे में पढ़ा सारी डिटेल्स, उसके पार्ट्स क्या हैं, फंक्शन क्या है उसका। फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अभी हमने पढ़ाया, तो अभी हम नेक्स्ट हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल आप नाम से इसका मीनिंग देख लें कि ये बाउंड्री पर होता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी मीन्स बाउंड्री। तो ये बॉडी के बिल्कुल लाइन के साथ साथ इसकी सारी नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं, वहीं ये ट्रांसमिट भी करती हैं मैसेजेस को। ठीक है, और सारा अपना फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इज कम्पोज ऑफ नर्व्स एंड गेंगलिया। ठीक है, गेंगलिया आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरोन सेल बॉडीज। हमने ये पहले भी देखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो सेल बॉडीज क्लस्टर बनेगा उसको हम गेंगलिया बोलेंगे। नर्व्स अराइज और लीड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नर्व्स जो हैं या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से निकलती हैं या फिर उनकी तरफ जो है वो जाती हैं। सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो उनको हम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होंगी उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। काइंडली इसको अंडरलाइन कर लें कि 12 पेयर ऑफ जो क्रेनियल नर्व्स हैं ह्यूमन के बाद, और 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स के हैं। सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, कुछ जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी भी होती हैं। सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड। ऑन द अदर हैंड ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। तो ये MCQs की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो काइंडली इसको सारा आपने अंडरलाइन कर लेना है कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी भी हैं, मोटर भी हैं और मिक्स्ड भी हैं, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो हैं वो दो पाथवे बनाती हैं। सेंसरी पाथवे, ठीक है, जिसमें पल्सेस को कंडक्ट किया जाता है रिसेप्टर्स से और फिर ट्रेवल करवाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और जो मोटर पाथवे है, दूसरा पाथवे, वो कंडक्ट क्या करता है कि वो इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, कंडक्ट करके इफेक्टर्स तक लेके जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो मोटर पाथवे है उसके दो सिस्टम आगे से बनते हैं। यहाँ फ्लो शीट देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे बनता है। सेंसरी मोटर पाथवे आगे से दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,